गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हो सारे? होप करता हूँ कि सारे भाई अच्छे होंगे। तो भाई आजकल आप लोग एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि भाई मैं एक तो पहले 2 दिन वीडियोस नहीं डाला, और अगर डाल रहा हूँ तो भाई थोड़ी शाम के टाइम डाल रहा हूँ। तो भाई एक्चुअली क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं देखो वीडियो शूट किया और मैं कल जो वीडियो डाला था वो वीडियो इसलिए कल ही डाल दिया क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी 2 दिन से वीडियोस नहीं डाला, जिस वजह से मैं भाई सोचा कि मैं शाम को भले से ही शाम को डाल रहा हूँ बट क्या करूँ, डाल दूँ जिससे आप लोग यार वेट करते हो। तो बाकी भाई आज भी देखो, आज सुबह से अभी तक वीडियो नहीं पड़ी है और अभी बन रही है तो अभी शाम को पड़ जाएगी, मतलब 7-8 बजे तक एटलीस्ट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, जा रहे हैं खेत में और इधर देखो अपना ट्रैक्टर खड़ा है और इधर है ट्रॉला, तो ये ट्रॉला जाएगा खेत में और गन्ने की ढुआई होगी इससे, और ये गन्ना जाएगा भाई कांटे पे। तो लेके चलूँगा, मैं खुद ही लेके चलूँगा। अभी जो ड्राइवर है मेरे, ड्राइवर साहब गए हैं खेत में और वहाँ पे हैरो चलाना है क्योंकि गन्ने की कटाई वहाँ पे हो चुकी है और वहाँ का सारा गन्ना चला गया। भाई क्या करूँगा मैं, अभी ट्रैक्टर को अटैच करूँगा इस, क्या कहते हैं, ट्रॉला ही है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट है, जो भी है ट्रॉला ही है। बाकी चलते हैं भाई, इसको अटैच करेंगे ट्रैक्टर में और इसको लेके चलेंगे। बाकी पीछे देख रहे होंगे कि आजकल जल्दी शाम हो जा रही है और अभी तो टाइम हो रहा है 3:30, तो लेके चलते हैं, अटैच करते हैं ट्रैक्टर को और ले चलते हैं खेत में। इस पे लोड होगा गन्ना और लोड करेंगे जो गन्ने की, गन्ने को छिलते हैं, जो गन्ने छिलने के लिए आए वो बाहर से आए एक्चुअली। तो चलते हैं भाई, देर ना करते हुए निकलते हैं, सीधे सब कुछ अटैच करते हैं और लेके इसको चलते हैं खेत में, करते हैं इंजॉय बढ़िया सा। फाइनली ये देखो, इसको मैंने अटैच कर दिया और ये पटिया भी लग गया इसमें, मतलब ये अभी भाई नया नया मैं निकाल के लाया हूँ शोरूम से, देख सकते हो, आपको देख के ही पता लग रहा होगा। इस पर अभी पॉलिथीन भी लगी हुई है ये देखो भाई। तो अब ले चलते हैं भाई ट्रॉले में, अटैच करते हैं। आप लोग इस पर ट्रॉले पर कभी नहीं देखे होंगे वीडियो, और आज मैं सोचा कि यार ट्रॉले पे भी बनाऊं। अब इधर जब तक गन्ने की ढुआई होगी मैक्सिमम भाई इस ट्रैक्टर से ही मैं करवाऊंगा, जो कि आप लोग देखने को पाओगे मेरे चैनल पे। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे आपको ऐसे नए वीडियोस मिल सकें। तो चलते हैं गाइस, करते हैं मिशन को पॉसिबल और ले चलते हैं इसको इधर। आप से आ गया, बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं भाई, ये बहुत दिन बाद है, कहाँ थे यार तुम? गिफ्ट देने वाला हूँ। क्या दोगे वो बताऊंगा भी नहीं। अरे बता दो यार, गिफ्ट नाम का चीज क्या बताऊं। ओ भाई देखो यार, ये बताया भी नहीं रहा मुझे क्या गिफ्ट देगा। अरे फिर भी कुछ तो बताओ, मतलब एक थोड़ा सा वो तो दो। ठीक है देखते हैं भाई, और दिखाऊंगा भाई, आपको भी दिखाऊंगा क्या गिफ्ट होने वाला है। तो चलते हैं, करते हैं अटैच इसको। फाइनली इसको हम लोगों ने अटैच कर दिया है और अब लेके चलते हैं सीधे इसको खेत में ट्रैक्टर को, चलते हैं भाई आ जाओ पोछो इसको। भाई ये ट्रॉला बैक करने पता नहीं किस तरह से चल रहा है, लेकिन मैं ले चल रहा हूँ इसको। ये देखो लड़के जा रहे हैं खेत की तरफ, चलते हैं भाई। इस पे भाई ट्रैक्टर कम उछल रही है, बढ़िया चल रहा है यार, जबरदस्त। फाइनली मैं खेत में आ गया हूँ, ये देखो गन्ने का खेत है और इधर देखो, अब यहाँ पे भाई लोडिंग स्टार्ट होने वाली है और एटलीस्ट भाई 1 घंटा मान लो लगेंगे लोडिंग होते ट्रॉले को,
और जब लोड हो जाएगा तो भाई पूरा निकालते टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी देखो ये लोग लोड करेंगे अच्छे से और लोड करके रस्से से बांधेंगे भी। तो भाई तैयार हो सारे लोग? ये देखो भाई शाम भी हो रही है इधर और भाई यार पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्दे उड़ रहे हैं यहाँ पे, खांसी आ गई। एक घंटे तो भाई एक घंटे तक वेट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक घंटे में हो जाएगा फिर वीडियो को कंटिन्यू करते, इसको लेके चलेंगे गन्ने को घर और ट्रॉले के साथ। बाकी इन लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगता यार लोड करते, बहुत फास्ट ये लोग काम करते हैं और करने के बाद निकलते हैं यहाँ से। तो मैं दिखाते रहूँगा आपको पूरा, आप लोग कंटिन्यू बने रहो वीडियो में। 25-26 क्विंटल लोड होगा बाकी, क्योंकि देखो जो पर्ची आती है गन्ने की उसका जो वेट रहता है लगभग यही रहता है, 25-26 क्विंटल यही रहता है ना भाई, यही रहता है। साहब थोड़ी देर के लिए मैं घर चला गया था लेकिन अब खेत में आ गया हूँ और यार कपड़े भी चेंज कर लिया क्योंकि वो व्हाइट कलर का था और खेत के अंदर रहो तो यार गंदे हो जाते हैं। और गाइस मैं एक चीज कहने वाला हूँ, अगर मैं चुपके से गिफ्ट बता भी दूंगा आपको तो एडिट करते समय। यार तुम एक काम करना तभी बताना जब तुम गिफ्ट देना, यार ऐसे एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है और फिर रहा नहीं जाता है। क्यों कृष्णा? ये देखो भाई हो गया काम, अभी टाइम लगेगा यार। अभी ये लोग सिर्फ इतना ही लोड कर पाए हैं और देखो कितना टाइम लगता है लोड करने में। फिर भाई चक्का उठाते हैं एकदम मस्त वाला। ये लो भाई अभी ये लोग लोड कर रहे हैं, बस यही इतना बचा है। तो भाई ये देखो 4-6 बोझ बचे हुए हैं, बाकी लोड हो जाएगा उसके बाद पूरा। और फिर क्या करना, रस्से से बांधना इसको। रस्सा कहाँ गया यार, कहाँ पे है? अच्छा अच्छा चलो रखे रहो, गायब ना हो यार नहीं तो पता लगेगा कि फिर दिक्कत हो जाएगी। ये लो भाई हो गया काम ओके, और अब इसको रस्से से फाइनली बांध दिया जाएगा। और मैं ये बता दूं भाई कि ये जो खेत है हम लोग का, ये मतलब घर से काफी दूर है। बात करें तो घर से दूर का मतलब ये है कि ये मेन रोड पकड़ के इधर से आ जाता है। और बाकी जो बोझ बचे हुए हैं वो तो कल ही लोड होंगे, कल वाले ट्रॉली में, आज तो ये हो गया। और ये लो जल्दी जल्दी बांधो भाई। और इधर अशोक भैया हैं रस्से को बांध रहे हैं। भाई ये कृष्णा भी फेंक देगा एकदम आसमान में, फेंको जरा देखें भाई कितनी ताकत है तुम गढ़ू बा। यार ये गाय के लिए जा रहा है चारे के लिए। और ये देखो बाकी सारा काम हो गया। और भाई उधर देखो क्या खड़ी है, प्लेटिना है भाई और एकदम कबाड़ हो चुकी है वो बाइक, मतलब इन द सेंस कि कैसे भी चलाओ उसको तो जल्दी खराब नहीं होती, एकदम दमदार बाइक है। ये लो एक बोझ और आ गया इसका, अभी और भी है। लो भाई ऊपर पकड़ के बैठना पड़ेगा नहीं गिर जाएगा ये। भाई जल्दी जल्दी इसको टाइट करो रस्से को, लेट हो गया यार इसलिए, देखो शाम हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, नहीं तो अभी जैसे ही शाम होगा और ज्यादा अंधेरा होगा तो वीडियो भाई गंदी आएगी। ये देखो क्या कर रहा है, देख रो भाई हमेशा हर जगह इसका चलता है खुराफात। भाई बढ़िया चक्का उक्का नचाए रखो एकदम, यह देख रहे हो भाई कबाड़ हो चुकी है एकदम, इसको सिर्फ खेत में यूज किया जाता है। ये क्या है भाई? अरे ये देखो यार, ये देखो ये तो पैर वाला है। कहाँ है गायब है? ये बढ़िया है, हैवी ड्राइवर हो तुम, मान गए हम। इसको यार पैर पे लगना चाहिए नीचे, तो ये ऊपर रख के चल रहा है। चाबी अभी नहीं है ना, एकदम जबरदस्त है मानना पड़ेगा, बंदा ही जबरदस्त है। सही बात है, एकदम सही बात कह रहे हो भाई तुम। ये लो
अब ट्रैक्टर पे बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं, ट्रैक्टर को लेके चलते हैं भाई। भाई फाइनली ट्रैक्टर निकाल लिए खेत से और ये देखो यार अब शाम हो गया, तो अब देखो क्वालिटी एकदम डाउन जा रही है, पर अब लेके चलते हैं ट्रैक्टर को। बाकी पूरा लोड हो गया ट्रॉला और ये लो, थोड़ा अब तेजी में लेके चलते हैं यार, शाम हो रही है। लेकिन एक बात है यार कि मतलब जो इसका रियल आरपीएम है, जो ट्रैक्टर में सेट होके आता है, उस आरपीएम पे भी ट्रैक्टर चलाओ तो लोड नहीं लेता है बिल्कुल भी। आज की वीडियो में ज्यादा कुछ नहीं दिखा पाया, बाकी जो भी दिखाया होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो भाई पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब करो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए भाई बाय बाय एंड टेक केयर।